आचार्य जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है, मैं पुनः दोहराता हूँ अपना प्रश्न, कि जो कोरोना की महामारी चल रही है, तो इसके दौरान जो योग है उसकी क्या भूमिका, और क्या इसकी भूमिका काफी बढ़ जाती है ऐसी महामारी से पार पर पाने में, इस पर कृपया बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी ऐप के माध्यम से जो कार्यक्रम देख रहे हैं देश और दुनिया के लोग, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा कि योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है। योग अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन जीने की। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक जीवन शैली का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना, हमारी आत्मा, ये सब स्वस्थ बनते हैं। और कोरोना काल में पूरी दुनिया ने इस बात को महसूस किया है और ये सिद्ध हो चुका है कि भारत में जो मृत्यु दर कम रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है हमारी ये महान विरासत, जिस विरासत को लेकर के हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया ने उसका समर्थन किया। और प्रसंगवश मैं ये कहना भी चाहूंगा कि जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर पर हुआ, मुझे उसे संबोधित करने का अवसर मिला है। हमारी उस समय की तत्कालीन लोकप्रिय विदेश मंत्री बहन सुषमा जी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, हम लोग ये देख के आनंदित हो रहे थे कि किस तरह से यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून और विश्व की तमाम हस्तियां सामने योग कर रही थी। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से योग के कारण से अगर हम सारे आंकड़ों को इकट्ठा करें, मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना से मेडिसिन के माध्यम से इलाज हुआ है। आज प्रातःकाल ही मेरी डॉक्टरों के साथ एक कार्यक्रम था जिसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और अन्य अन्य हॉस्पिटलों के भी तमाम डॉक्टर थे। उस बीच में भी उन्होंने भी निर्विवाद रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया और मेडिकल का जो संगठन है AIM, उसके भी सेक्रेटरी थे कि आज अपेक्षा है अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की। प्राकृतिक चिकित्सा या ध्यान योग के लोग एलोपैथी के विरोधी नहीं है, लेकिन साथ में यह अवश्य कहना है कि हमारा ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा ये केवल कारणों का इलाज नहीं करती है, मूल जड़ में जाकर के उसका रूट कॉज में जाकर के उसका निदान करते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पिछले दिनों में देख रहा था मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर टीवी कार्यक्रम में, जो हृदय विभाग के प्रमुख हैं डॉक्टर अरविंद, अपने डॉक्टरों के साथ किस प्रकार से अनुलोम और विलोम, संवृत्ति श्वास, दीर्घ श्वास किस तरह से लेना छोड़ना, कुंभक रेचक जिसे हम योग की भाषा में कहते हैं, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हमें अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए निश्चित रूप से ध्यान और योग जो है वो बहुत ही उपयोगी है। और मैं समग्र रूप से बात करूं, मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, हमारे यहाँ पर आपको शायद पता होगा कि सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। आज डॉक्टर कहते हैं कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लो। पश्चिमी देशों में आजकल उपवास बड़ा तेजी से प्रचलित हो रहा है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने लेकर के महात्मा गांधी तक ने जिस बात पर बल दिया था उस उपवास का कारण से। और अब एक और नया फंडा जो आया है वो यह है कि अगर पेट का मोटापा ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो 14 घंटे का आप ब्रेक दीजिए। जैन परंपरा में, जैन जीवन शैली में जिसे नौकारची और पौर्ची कहते हैं, यानी कि आपने शाम को 6 बजे भोजन किया है तो अगले दिन 8 बजे से पहले ग्रहण मत कीजिए। आपको बिना कुछ किए आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, जो मोटापा अनेक बीमारियों का कारण है, जो शुगर अनेक बीमारियों का कारण है। तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर हम ध्यान और योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था एक घड़ी आधी घड़ी और आधी मैं पुनः आध,
तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, ये एक घड़ी दो घड़ी क्या है, 24 घंटे में सिर्फ 24-48 मिनट का कालखंड अगर हम निर्धारित कर लें कि इस समय में प्राणायाम, मेडिटेशन, गमन योग, इस प्रकार की क्रियाओं को जीवन में महत्व दूंगा, मुझे लगता है चिकित्सा का बजट जो है वो आधा हो सकता है, उसकी जरूरत कम से कम हो सकती है। इसलिए आज हमारी ये भारत की महान विरासत, जिसे हम सनातन परंपरा कह दें, कुछ भी कह दें, और मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह भी निवेदन किया कि योग कितनी प्राचीन विधा है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की अगर आप प्रतिमाएं देखें, चाहे वो आज मिल रही है चाहे सैकड़ों वर्ष पूर्व मिली, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। तो ये योग एक हमारी महान विरासत थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उस तरह से उस पर बल दिया कि आज पूरे विश्व के अंदर हर शहर में हर गली के अंदर आप सुबह से अगर देखेंगे, आजकल इंटरनेट के माध्यम से सारी सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं, पूरी दुनिया योग कर रही है, और कोरोना काल में तो यह और अधिक समझ में आया है सबको कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भारतीय जीवन शैली की ओर लौटना होगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म की साधना और आराधना भी करनी है तो शरीर की स्वस्थता चाहिए। मैं जिस राजस्थान से आता हूं, एक कहावत प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, और इस कोरोना काल में हमने देखा धन संपदा काम नहीं आई, एक एक श्वास के लिए आदमी तरसता रह गया, और ऐसे समय के अंदर जो है शरीर की स्वस्थता के लिए भी ज्ञान और योग जो है वो बहुत उपयोगी है। इसलिए मैं बल देना चाहूंगा और सुनने वालों से अपील करना चाहूंगा कि आइए अब हम योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, फिर भले ही तीसरी लहर आए, चौथी आए, पांचवी आए, वो आपका बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर आपने अपने कवच को मजबूत कर लिया तो योग और ध्यान अपने आप में एक सुरक्षा कवच है और स्वस्थ सुखी आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी।